हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं हूँ देवीशंकर, दिल स्वागत करता हूँ आपका 18 वर्ष क्लासेज पर। तो साथियों, आने से पहले मैं आपके लिए, यानी कि आते ही आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वो क्या है तो देखिएगा, RPSC फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो साथियों, अब देर किस बात की, हो जाओ तैयार, उठा लो कॉपी पेन और लग जाओ तैयारी में, धुआंधार तैयारी के लिए। तो साथियों, ये तो रही अपनी मोटिवेशनली वाली बात, क्योंकि अब वैकेंसी आ गई है, अपन को बैठे नहीं रहना है, अच्छे से तैयारी करना है। और एक छोटा सा अपडेट जो हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आया है, उसके बारे में बता देता हूँ मैं। जो अपने पहले वर्णों की संख्या थी 52, तो वो बढ़ाकर अब कर दी 53। 53 कैसे की है, एक और वर्ण जोड़ा गया है। एक और वर्ण कौन सा है, तो उसमें एक वर्ण जोड़ा गया, उसका नाम है, उसको बोलेंगे अपन ल। आप सोच रहे होंगे ल होता क्या है, तो ल मैं लिख के बता देता हूँ। ल होता है ऐसे, ल की तरह आता है ना, ऐसा ल होता है। तो ये तो पहले वर्णों की संख्या आपने थी 52 प्लस एक और ये कर दी, तो कितनी होगी, टोटल 53 हो गई। अब वर्णों की संख्या 53 हो गई है। तो इसका उच्चारण स्थान की बात करें कि जोड़ा तो गया है, लेकिन इसका उच्चारण आखिरकार होगा कहाँ से, इसका उच्चारण स्थान कहाँ रहेगा, तो इसके उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो अपन इसका उच्चारण स्थान अपने मुर्दा रहेगा। क्या रहेगा, मुर्दा रहेगा, उच्चारण स्थान मुर्दा रहेगा ना इसका। ये तो बात हो गई, अपने नया जो अपडेट आया है नए वर्ण के बारे में, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि नया नया अपडेट आया है इसलिए। तो अपन पिछली कक्षा की बात कर लेते हैं। तो साथ तो देखिएगा, अपन जो है पिछली कक्षा में बात कर रहे थे शौरों की, शौरों की बात कर रहे थे। शौरों में भी अपनों ने वर्गीकरण कर लिया था, उसके बाद में अपनों ने बोला था कि अगली कक्षा में जो अपन व्यंजन व्यंजन की बात करेंगे। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे व्यंजनों की। किसकी बात करेंगे, व्यंजनों की, व्यंजन व्यंजन। आज जो अपना मूल टॉपिक रहेगा वह रहेगा व्यंजन। तो साथियों, व्यंजन, तो व्यंजन कहते किसे, तो देखिएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन। यानी कि व्यंजनों का जो है उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी कि ये इनका उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता है। जैसे अपन देखते हैं ये के है, तो ये के अकेला नहीं है, इसमें एक और जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, स्वर, कौन सा, ए स्वर जुड़ा हुआ है, तभी ये के पूरा हुआ है। अगर के को अपन आधा करके देखेंगे तो इसमें से हलन लगा के ए और बाहर निकल जाएगा, ये स्वर है। तो व्यंजनों का जो उच्चारण है स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो साथियों, व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। व्यंजन की परिभाषा, परिभाषा वो देख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ये मैंने बोर्ड की साइज थोड़ी अब बड़ी कर ली है, अब आपको कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है। तो व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है।
व्यंजनों की संख्या, संख्या 33 होती है। देखिएगा व्यंजनों की संख्या 33 होती है, तो वे 33 होती कौन कौन सी है उनके बारे में अपन बात करेंगे। आप कैसे लगाकर में तक जो वर्ग होता है अपना कैचे टे वह तो आ जाएगी, जैसे कैसे लगाकर में तक, एक तो ये इसको लिख लेते हैं क च ट त प, ये पांचों वर्ग आएगा ना, पांचों वर्ग का भी अपने इधर नाचर के आएगा अंग न न म, उसके बाद में के लिख लिया के खे गे घे, के खे गे घे, चे छे छे छे, जे जे और न, ये सॉरी ये ना, ट ठ ड ड, ये सभी आधे आधे है ना, क्योंकि जो आपको बताई दिया व्यंजन जो होते हैं वो आधे होते हैं, इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है ना, ये भी आधा है, थ थ द ध, ये थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इधर आगे साइड में, अंग न, थोड़ा नीचे इसके इसमें आएगा ना, प फ ब भ म, तो ये तो इनको बोलते हैं नासिकीय, क्या बोलते हैं नासिकीय, नासिकीय ये जो होते हैं ना अंग न म, इनको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं, नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। ये तो 25, ये 25 तो अपने 25 तो ये, और इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन यानी कि चार तो ये। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन के बाद में आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन वो होते हैं श श श और है, श श है वो चार ही है, चार ही है, तो कितने हो गए 25, ये 4वे 8 ये हो गया 33, तो 33 हो गया अपना पूरे व्यंजन। ये तो हो गया अपना कि 33 व्यंजन कौन कौन से होते। उसके बाद में अपन जो बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण की, तो बात कर लेते अपन व्यंजनों का वर्गीकरण की। एक बात और याद रखिएगा, ये जो पांच पांच वर्ग है इनके व्यंजनों को स्पर्श स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श बोल दो या फिर स्पृष्ट व्यंजन बोल दो। और इनमें जो है पहले पहले वर्ग को बोलेंगे अपन कंठे, कंठे दूसरे को बोलेंगे अपन कंठे वा में ताल्लव्य, ताल्लव्य ताल्लव्य ताल्लव्य, कंठे ताल्लव्य, ताल्लव्य के बाद में आएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य मूर्धन्य के बाद में आएगा अपने दंतोष्ट, दंते दंते सॉरी दंते दंते, उसके बाद में आएगा अपने दंते के बाद में ओष्ठ्य, ओष्ठ्य ओष्ठ्य है ना, ये तो हो गया। अब अपन अब बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है।
व्यंजनों का वर्गीकरण अपन एक टेबल के माध्यम से समझेंगे पहले कि कौन कौन सा वर्गीकरण कैसे किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है। पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद में उनका टेबल के बाद में क्रम वाइज से अध्ययन करेंगे हर एक का ना। इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब अपना जो मेन बिंदु रहेगा व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिएगा साथियों, व्यंजनों का वर्गीकरण करने के लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। पहले समझेंगे कि किस किस भाग में किस कितने को कैसे क्या बांटा गया है। तो देखते हैं, व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से, आप देखिएगा। एक तो अपन बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और इधर आएगा प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। तो देखो साथियों, इधर दो भागों में अपन बांट दिया ना। अब देखिएगा, प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। तो दो भाग कौन कौन से वो देखिएगा। प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। एक आएगा अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर है जो आठ प्रकार होते हैं। आठ प्रकारों की अपन आगे बात करेंगे। और एक तो हो गया अभ्यंतर प्रयत्न, और एक इधर आएगा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो दो प्रकार हो गए। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। आप सोच रहे हो क्या बोला है, पर फिर भी अपन को याद करना पड़ेगा इसे। बाह्य प्रयत्न के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से है? एक तो प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, और एक है घोष या नाद के आधार पर, घोष या नाद के आधार पर, घोष या नाद के आधार पर, घोष या नाद के आधार पर। अब देखिएगा साथियों, प्राण वायु के आधार पर और घोष या नाद के आधार पर भी दो दो भागों में बांटा गया है। अब दो दो भाग कौन से वो भी देख लीजिएगा। प्राण वायु के आधार पर भी, अब लास्ट है ज्यादा नहीं है, प्राण वायु के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से देखिए, अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, और घोष और घोष या नाद के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया, वो भी देख लेगा। इसके बाद में नहीं है, यही काफी है। अघोष, अघोष, सघोष, ये टेबल याद कर लेगा आप। इसमें से पूछ सकते हैं कि किस आधार पर कितने प्रकार हैं, है ना। तो ये तो अपने टेबल के माध्यम से समझा कि कौन कौन सा प्रकार क्या है। उसके बाद में अपन शुरू में स्टार्ट करेंगे आज उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उसके बाद में लेंगे अपन प्रयत्न के आधार पर, फिर जो भी आगे चलते जाएंगे सीरीज वाइज। तो अपन आज फिर वापिस एक नया डालेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं, इनको मिटाना पड़ता है। या आप क्या है कि बाद में कक्षा रोक के लिख लेगा, या फिर अभी तो मेरे साथ देखते जाए कि कैसे क्या है।
उच्चारण स्थान के आधार पर पहला प्रकार डालेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। देखिएगा साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर अपन बात करेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है और किस भाग में किस आधार पर क्या क्या कौन कौन से व्यंजन है। तो साथियों, अपन उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करने के लिए एक मतलब ट्रिक का सहारा लेंगे। वो ट्रिक बहुत ही उपयोगी है, उसमें से एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है, आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा साथियों, वो ट्रिक कौन सी है। सबसे पहले जो ट्रिक आएगी, अपन बात करेंगे एक नंबर पे, अक्कू है विसर्जनीयाम, अक्कू है विसर्जनीयाम, अक्कू है विसर्जनीयाम, अक्कू है विसर्जनीयाम कंठ है, अक्कू है विसर्जनीयाम कंठ है। दूसरी जो ट्रिक आएगी अपने, अक्कू इचू यशा नाम, इचू यशा नाम, इच्छु यशा नाम कंठ का बाद में आएगा अपने मूर्धा, इच्छु यशा नाम मूर्धा। तीसरी ट्रिक जो आएगी अपने, इच्छु के बाद में आएगा सॉरी कंठ, मूर्धा नहीं आएगा, ये कंठ के बाद में आएगा तालु, तालु मूर्धा जो अभी नीचे आएगा रिटु रशा नाम, टूर शरणा नाम, रिटू शरणा नाम मूर्धा, रिटू शरणा नाम मूर्धा। और चौथी ट्रिक आएगी अपने, तू लशा नाम, लिर्तु लशा नाम मूर्धा के बाद में आएगा अपने दंता, लेतु लशा नाम दंता। पांचवी ट्रिक आएगी अपने, लिरिक का बाद में आएगा उपुप्त मानिया नाम, उपुप्त मानिया नाम, उपुप्त मानिया नाम इसका आएगा। दंत के बाद में आएगा ओष्ठ, ओष्ठ उपुब्ध मान्य नाम ओष्ठ। उसके बाद में आएगा अपना छह नंबर पे वक्का रश्य दंतोष्ठ, वक्का रश्य दंतोष्ठ, वक्का रश्य दंतोष्ठ, वक्का रश्य दंतोष्ठ। के बाद में अपने सात नंबर पे जो ट्रिक आएगी, वक्का रश्य दंतोष्ठ कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। और ये आई कंठ ओष्ठ आठ पर, कंठ ओष्ठ पे एक और नौ आएगी, नासिकीय ट्रिक नहीं है, तो ऐसे ही है बाकी के तो। और एक और आएगा अपने 10 नंबर पे, काकल्य, काकल्य, काकल्य व्यंजनिया इसको बोलते हैं, अली जीवा, अली जीवा। तो ठीक है साथियों, इनकी बात करते हैं कि कौन कौन सा इनमें कौन कौन सा व्यंजन आते हैं, है ना। तो इसमें आएगा आपको विसर्जनी आम कंठ में आएगा, यानी कि जिनका उच्चारण कंठ से होएगा, ये आपके पीछे का उच्चारण स्थान है, कंठ तालु मूर्धा दंता ओष्ठ दंतोष्ठ तालु ओष्ठ काकल्या अली जीवा ना। तो इसमें आएगा ए या आ प्लस के वर्ग प्लस है
प्लस विसर्ग है ना। ये तो आ गया अपना घंटे में। अब इचू ऐसा नाम में देखिए, इचू ऐसा नाम में कौन कौन सा आएगा? ई ई प्लस चेवर्ग, चेवर्ग प्लस ये प्लस शे। अब रिटूर्षणा नाम में देखिएगा, रिटूर्षणा में आएगा अपने री प्लस टेवर्ग, टेवर्ग प्लस रे प्लस श। ये तो आ गया मुर्दा में ना, और ये आ गया तालु में, ये आ गया कंटे में। अब बात करेंगे अब दंते, दंते में, दंते में आएगा इलरी, लेकिन नीचे री लग रहा है, लरी प्लस तेवर्ग, तेवर्ग प्लस ले प्लस ये वाला शे है ना। अब उपपद मान्या नाम की बात करेंगे, ओष्ट में आएगा उ प्लस पैवर्ग, पैवर्ग पैवर्ग प्लस पैवर्ग प्लस उ या पैवर्ग, इसमें यही आएगा ना। अब वक्का रस्य दंतोष्ट में देखिएगा, इसमें वक्का रस्य दंतोष्ट में भी केवल वही आएगा, क्या आएगा वह, वह। और उसके बाद में कंठ तालुम आएगा अपने ए आई, और उसके बाद कंठोष्ट में आएगा अपने ओ औ। और नासिक के व्यंजन की अपन बात करेंगे, सॉरी इस तरह जगह कम पड़ने के बारे में इधर लिख देता हूँ नासिक है ना, नासिक है, नासिक है अपना आता है पांचवा जो व्यंजन आता है ना, वो वर्ग का पांचवा अंग न न म अंग न न म, ये तो नासिक हो गया। और काकली और अली जीवा की बात करेंगे, काकली और अली जीवा में भी अपने दो ही आएगा, एक तो है आएगा प्लस एक विसर्ग आएगा। तो साथियों देखिएगा, ये तो हुई अपने व्यंजनों का वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर। अगली कक्षा में अपन जो बात करेंगे प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, आप इनको अच्छे से याद कर लिएगा, ऐसे याद नहीं होगा, इसको बार बार लिख लिख के याद करेगा तभी अच्छे से याद होगा। और आप साथियों मैं देख पा रहा हूँ आप वीडियो को लाइक नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, ना स्टेटस ना शेयर कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब आपकी तरफ से मुझे ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आप साथियों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर अवश्य किया करो, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रयास कर सकूं। तो साथियों मेरी यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब सभी करते रहें। साथियों ये तो मेरी आदत, मान लो आदत नहीं है फिर भी बोलना पड़ता है, क्योंकि आपकी इन्हीं की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।